नमस्कार, योर मनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित, योर मनी, जहां पर हम बातचीत करते हैं आपके पर्सनल फाइनेंस से जुड़े सवालों को लेकर, पर्सनल फाइनेंस से जुड़े टॉपिक को लेकर, और साथ ही साथ आप अपने पोर्टफोलियो को कैसे बिल्ड कर सकते हैं, कैसे बेटर कर सकते हैं, कैसे अपनी फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं, इन सब पर हम बातचीत करते हैं। हमारे साथ अलग अलग जानकार मौजूद रहते हैं और उनसे हम चर्चा करते हैं आपके सवालों को लेकर भी और कई सारे इंपॉर्टेंट या इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को लेकर भी। और आपका भी कोई सवाल हो तो आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। अलग अलग माध्यम आप हमारी स्क्रीन पर देखेंगे ही, जिसके जरिए आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। आप फेसबुक और एक्स यानी कि ट्विटर के जरिए इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। आस्क अवाज़ योर मनी आपका हैशटैग रहेगा। आप ईमेल कर सकते हैं yourmoney@nw18.com पर, और साथ ही साथ 7045220000 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और सीधे सीधे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए पीबी इन्वेस्टमेंट्स की सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूजा भिंडे मैम मौजूद हैं। पूजा मैम से हम आमतौर पर बातचीत करते हैं सर दर्शकों सवालों के जवाबों को लेकर भी और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर भी। आज का जो टॉपिक है उस पर हम पूजा मैम से चर्चा करेंगे। आज हमने टॉपिक चुना है, लास्ट टाइम भी शायद जब पूजा मैम से ही बात हुई थी तब हमने बातचीत की थी कंपाउंडिंग को लेकर, कैसे कंपाउंडिंग एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। आज भी हम कंपाउंडिंग पे ही बात करेंगे, लेकिन वो एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, एट्थ ब्लंडर ऑफ द वर्ल्ड जरूर हो सकता है। तो पूजा मैम, कंपाउंडिंग अगर आपके फेवर में है तो बहुत फायदेमंद है, लेकिन अगर कहीं वो नेगेटिव है तो बहुत ट्रबल भी हो सकता है। सो पहले दर्शकों को ये समझाएं कि नेगेटिव कंपाउंडिंग होता क्या है और उसका इम्पैक्ट आपके पोर्टफोलियोज पे आमतौर पर क्या होता है। तो पहले आप वहीं से शुरुआत कीजिए। जी बिल्कुल, सबसे पहले थैंक यू सो मच सुमित, एंड बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन था, बहुत अच्छी शुरुआत थी समझने के लिए। जब हम कंपाउंडिंग कहते हैं कि वो एट्थ वंडर है जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है, लेकिन अगर ये नेगेटिव चला गया तो ब्लंडर ही ब्लंडर है। बहुत सही कहा आपने। बेसिकली मैं शुरुआत यहीं से करूंगी कि हम नॉर्मली कंपाउंडिंग जो है वो आम भाषा में एक निवेशक क्यों उसको देखे अपने पोर्टफोलियो में कि उसको कंपाउंडिंग का कितना बेनिफिट मिल रहा है, और वो किस तरीके से समझे कि क्यों कंपाउंडिंग, लेकिन पॉजिटिव कंपाउंडिंग जरूरी है, ना कि नेगेटिव कंपाउंडिंग। ठीक है, सो नॉर्मली जब हम निवेश करते हैं, समझो मैंने अगर इन्वेस्टमेंट किया है कोई इंस्ट्रूमेंट में और उसमें आपको 10% इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, सो 1,00,000 के अगर इन्वेस्टमेंट है और 10% इंटरेस्ट मिल रहा है तो आपको 1,10,000 रुपया मिलता है एट द एंड ऑफ द ईयर। उसके नेक्स्ट ईयर में जब कंपाउंडिंग जो हम कहते हैं वो 1,10,000 के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है और उसके ऊपर 10% हो गया 11,000 एट द एंड ऑफ द ईयर 1,21,000। तो ये होती है कंपाउंडिंग की साइकिल। नॉर्मली जो पोर्टफोलियो में स्कीम्स होती हैं उसमें हम CAGR देखते हैं, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, तो वो हर साल आपको एवरेज एनुअल रिटर्न कितना मिला है हर स्कीम में से, उस स्कीम के बाद पूरा जो टोटल पोर्टफोलियो में आपको एवरेज रिटर्न मिला है वो हम नॉर्मली देखते हैं और कहते हैं, जो हम नॉर्मली कहते हैं 12% का एक एवरेज रिटर्न मिलना चाहिए एक इक्विटी म्यूचुअल फंड में, ये एक आम भाषा में बात होती है जब हम कंपाउंडिंग देखते हैं। अब नेगेटिव कंपाउंडिंग मतलब नेगेटिव रिटर्न, मतलब अगर कहीं पे रिटर्न आपका माइनस में जा रहा है, मतलब 1 से कम आपको रिटर्न मिल रहा है, तो वहां पे जो हम ये हर साल कंपाउंडिंग की वजह से ब्याज पे ब्याज ब्याज पे ब्याज जो बढ़ता है उस वजह से नेगेटिव रिटर्न आ रहा है, तो वो साइकिल आगे नहीं बढ़ रही है, तो पॉजिटिविटी की तरफ नहीं जा रही और नेगेटिविटी की तरफ जा रही है। अब आपको ये समझना है कि पोर्टफोलियो में नेगेटिव कंपाउंडिंग कब कब हो सकती है। सबसे पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हम देखते हैं इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। जो महंगाई हम आज की तारीख में देख रहे हैं ना, अप्रोक्सीमेटली 6 से 7% तो हम अज्यूम करते हैं WPI, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब हम यू नो ग्राउंड रियलिटी देख रहे हैं तो इन्फ्लेशन काफी हद से बढ़ ही रहा है। लेकिन हम जब भी निवेश करते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स में अगर हमने निवेश किया है जो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर रहा है, जैसे आपने ज्यादातर इन्वेस्टमेंट अगर FD या डेट प्रोडक्ट में किया हुआ है और आपको इन्फ्लेशन के जितना ही रिटर्न मिल रहा है और उसके बाद उसमें टैक्स भी कट रहा है, मतलब अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आ रहे हैं तो आपको रिटर्न तो मैच हो गया इन्फ्लेशन से, लेकिन पोस्ट टैक्स रिटर्न कम हो जाते हैं। तो जब रिटर्न इन्फ्लेशन से कम हो रहे हैं, आपको रियल रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो जो कंपाउंडिंग हर साल आपकी बढ़नी चाहिए वो नेगेटिव रेंज में जाएगी, क्योंकि इन्फ्लेशन हर साल रेंज में बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये समझने की जरूरत है कि एक तो मेरा इन्फ्लेशन को बीट करने वाला रिटर्न मिलना चाहिए, क्योंकि जो 100 रुपए की वैल्यू आज है
वो एक साल के बाद 107 होगी अगर मैंने 7% का इन्फ्लेशन समझा है, लेकिन 107 के ऊपर अगर मैंने उतना ही रिटर्न कमाया तो 30% टैक्स भी जाएगा, तो टेक्निकली मेरे हाथ में 104 ही बचेंगे, तो मैं लॉस कर रही हूँ। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट में हर साल मेरी कहाँ से कंपाउंडिंग होगी? ठीक है, ये हो गया इन्फ्लेशन। दूसरी चीज डाइवर्सिफिकेशन, पूरा पोर्टफोलियो एक ही तरीके के एसेट क्लास में डाला तो ये डाइवर्सिफिकेशन नहीं होगा तो कंपाउंडिंग नहीं होगी। जब हम 12% अजम्पशन पकड़ रहे हैं तो आपकी एज, रिस्क प्रोफाइल और एसेट एलोकेशन के हिसाब से अगर आपने इक्विटी में एक हैंडसम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रखा है तो सालाना आपकी जो कंपाउंडिंग होगी, वैसे भी कंपाउंडिंग का जो पूरा बेनिफिट है ना वो लॉन्ग टर्म में मिलता है। जो चीज समझो 10,000 के SIP को 10 साल अगर आपने होल्ड किया तो वो 25 लाख के आसपास आपका बनता है कॉर्पोरेट, लेकिन वही 25 लाख को 50 लाख बनने में सिर्फ 5 साल लगते हैं, और वही 50 लाख को 1 करोड़ बनने में उससे भी आधा समय लगता है। तो ये जो कंपाउंडिंग है लॉन्ग टर्म का है तो आपको डाइवर्सिफिकेशन। और तीसरा और आखिरी चीज सुमित ये देखना है कि हम बहुत ज्यादा और बोर्ड एक ही तरीके के फंड्स में नहीं है। जैसे इंटरनेशनल फंड्स अगर किसी ने अपने पोर्टफोलियो में रखा हुआ था कुछ साल पहले, फॉर एग्जाम्पल अगर चाइना सेक्टर रखा होगा तो वो अभी नेगेटिव डबल डिजिट में चल रहा है और हमने रीबैलेंस नहीं किया, रिव्यू नहीं किया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है पोर्टफोलियो को 6 महीने 12 महीने से रिव्यू करना कि इस तरीके के फंड्स को तुरंत पोर्टफोलियो से निकाले ताकि आपकी नेगेटिव कंपाउंडिंग पोर्टफोलियो में आगे ना बढ़े। तो पूजा मैम, मैंने निवेश किया, मेरा पोर्टफोलियो है जिसमें कुछ फंड्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनमें कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन कुछ फंड चल ही नहीं रहे, वहीं के वहीं खड़े हैं, या तो गिर रहे हैं या वहीं के वहीं स्टैंड लोन है। सो उस सिचुएशन में क्या मेरा फंड सिलेक्शन गलत है? क्या मैं उन निगेटिव कंपाउंडिंग का हिस्सा बन चुका हूँ? मुझे उन्हें बदल देना चाहिए, समय देना चाहिए, ये कैसे कर लूँ? देखिए नॉर्मली 3-4 पैरामीटर्स पे पोर्टफोलियो रिव्यू होता है। एक तो हम कहते हैं नॉर्मली आपको SIP वगैरह को तो टाइम देना है क्योंकि कंपाउंडिंग लॉन्ग टर्म का समय है। ठीक है, तो हम नॉर्मली 3 साल का समय देते हैं एक इक्विटी फंड की SIP, लेकिन रिव्यू करना जरूरी है। मतलब आप बेंचमार्क को बीट कर रहे हैं, आप बहुत ओवरबोर्ड नहीं हो रहे एक पर्टिकुलर मार्केट कैप को लेके। अब सेक्टोरल फंड ले लीजिए, पिछले कुछ साल से अगर आप 2 साल पहले देखें तो बहुत ज्यादा लोगों ने ओवरबोर्ड कर लिया था। फिर एक ही सेक्टर में रिटर्न देने के बाद जब वो उसका लो पीरियड आया तब नेगेटिव रिटर्न देखने मिले तो आपकी कंपाउंडिंग रुक जाती है अगर आपने पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा मिस्टेक्स किए हुए हैं। तो मिस्टेक्स को सुधारना है, रीबैलेंस करना है। सेक्टोरल समय अगर फंड में है तो सही समय पे एंट्री, सही समय पे एग्जिट। बस इन चीजों को ध्यान में रख के नेगेटिव जो भी रिटर्न्स दे रहा है बहुत कंटिन्यूड समय तक उसको स्विच करने की जरूरत है सुमित, नहीं तो कंपाउंडिंग टोटल पोर्टफोलियो कम हो जाएगा। मतलब अगर एक हाथ स्टॉक में एक हाथ स्टॉक है या म्यूचुअल फंड है जिसमें 15% मिल रहा है, एक में 10% मिल रहा है, लेकिन एक में -15% मिल रहा है, तो ओवरऑल नेट रिटर्न तो आपको सीधा 10% ही हुआ। तो आपकी जो दूसरी अच्छी वाली कंपाउंडिंग थी वो भी कम हो जाएगी क्योंकि नेगेटिव का आपने कुछ चेंज नहीं किया। सो टाइमली रिव्यू आई थिंक बहुत जरूरी है। तो पूजा मैम, क्या कॉस्ट भी इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? अगर मैं इन्फ्लेशन को या बाकी चीजों को एडजस्ट भी कर दूं तो क्या कॉस्ट का स्विचिंग कॉस्ट जो होता है वो भी एक बड़ा रोल प्ले करेगा? जी बिल्कुल। नॉर्मली 1 साल के अंदर हमको कॉस्ट लगती है, जैसे एग्जिट लोड लगती है 1%, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी लगता है 15% इक्विटी में। सो चीजों को ध्यान में रखें, मतलब मेरे हिसाब से एकदम से अब्रप्टली अगर आपने किसी फंड में शुरुआत की है तो उसको 1 साल का समय देना जरूरी है, ना कि अगर 1 साल के अंदर ही समझो मार्केट तो वैसे भी साइकिल्स में चलती है तो थोड़ा समय देना है क्योंकि लंबे समय के लिए कंपाउंडिंग इफेक्ट काम आने वाली है। और जैसे आपने राइटली कहा, इन सब चीजों को ध्यान में रख के कोई भी चेंजेस करने हैं, ना कि अरे मुझे यहाँ पे 10% माइनस दिख रहा है मैं कल का कल निकलूं लेकिन मेरे को दूसरे कॉस्ट भी लगेंगे। सो थोड़ा समय देना है, आप समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। इन्वेस्टर एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी लेके चल रहा है, इक्विटी है तो पता है रिस्क भी है, बस इस कॉन्सेप्ट को हमको फेवर करने के लिए सारे पैरामीटर्स को देख के डिसीजन लेना है। तो इस समय इसका डिस्कशन इसलिए किया गया क्योंकि
कंपाउंडिंग काम करता है लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और हो सकता है अभी जिन्होंने म्यूचुअल फंड में निवेश किया हो उनको कुछ सालों में, बीते 2-3 सालों में बहुत अच्छे रिटर्न आ रहे हों, लेकिन अगर बाजार पलटता है और ये रिटर्न कहीं गंवाते हैं वो लोग, तो उनको ये ना एहसास हो कि उनका फंड खराब हो गया या उनको रिटर्न नहीं आ रहा, क्योंकि मार्केट है थोड़ा वोलेटाइल रहेगा, तो उस बात को भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। बहुत सारे पैरामीटर हैं, उनको आधार मान के ही निवेश करिएगा या स्विच करिएगा एटलीस्ट। अब दर्शकों से बातचीत कर लेते हैं, देहरादून चलते हैं। पहले हमारे दर्शक सुमित जी मौजूद है वहां पर। रावत साहब नमस्कार। नमस्कार रावत जी, क्या सवाल है आपका? हाँ सर, मैंने जैसे अपना पोर्टफोलियो आपको भेजा है, उसमें मैंने पहले भी एक बार भेजा था लास्ट टाइम में, तो अभी मैंने चेंज क्या किया, स्मॉल कैप फंड हटा के मल्टी कैप फंड को ऐड किया है, रिसेंट चेंज जो किए हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे मैंने 2 मल्टी कैप रखा है, तो क्या एक मल्टी कैप को हटा के एक लार्ज कैप कैनरा रोबेको ब्लू चिप वो ऐड कर सकते हैं, और एक इंडिया मैन्युफैक्चरिंग फंड कुछ अगर फैक्टोरियल में ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं इसमें? तो सुमित जी, जो आपने स्मॉल कैप रखे हुए थे वो कब से आप निवेशित हैं उसमें? उसमें 2 साल से था, मैंने रिडीम कर लिया उसको चेंज करके, बाकी उसमें एडजस्ट इन्वेस्ट कर दिया। बाकी अच्छी तेजी को देखते हुए आपने रिडीम किया, राइट? हाँ जी। चलिए, तो पूजा मैम बढ़िया कॉल इन्होंने लिया कि अच्छी तेजी मिड कैप स्मॉल कैप में हमने देखी है, तो अब इन्होंने अपने शॉर्ट टर्म या स्मॉल कैप फंड से निकल कर ये लार्ज कैप या मल्टी कैप फंड्स के अंदर आ गए हैं। आप क्या राय रखते हो, इनके फंड में या पोर्टफोलियो में क्या बदलाव की जरूरत है? जी बिल्कुल सुमित, इनफैक्ट मैं इनके पोर्टफोलियो को ही देख रही थी और इनके गोल्स को भी समझ रही थी। सुमित, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपके जो गोल्स हैं वो आपने जो मेंशन किया, एक तो 20 साल का आपका टाइम होराइजन है अगर मैं सही समझ रही हूँ, तो 20 साल के अंदर इन्हें कॉर्पस इकट्ठा करना, अप्रोक्सीमेटली कुछ 4 करोड़ के आसपास की राशि जुटाना चाहते हैं ये? जी 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 बराबर, ठीक है। तो इनको इस वजह से मैंने ये चेक किया कि 2 साल के अंदर अगर हमने स्मॉल कैप में, क्योंकि रिटर्न्स देखे और आपने उसमें से स्विच कर लिया, नॉर्मली आपका टाइम होराइजन है 20 साल का, आप एक यंग इन्वेस्टर हैं, आपका गोल है 4 करोड़ की राशि जुटाना, और 20 साल में आपकी SIP अप्रोक्सीमेटली 15,000 के आसपास की चल रही है, और उसको अगर मैं कैलकुलेट करूं तो अप्रोक्सीमेटली डबल SIP लगेगी अभी से, आपको एटलीस्ट 30 से 30,000 की SIP लगेगी अगर इस गोल तक पहुंचना है, उसमें भी आपको एनुअल स्टेप अप 10% लगेगा एवरी ईयर, तो आप ये गोल तक पहुंचेंगे। ये हो गई गोल की बात। अब जब फंड्स की बात करूं ना, तो कि इन्होंने एक डिवर्सिफाइड अप्रोच रखा, लार्ज एंड मिड कैप फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप, लेकिन स्मॉल कैप भी इनके पोर्टफोलियो को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, क्योंकि एक तो SIP जा रही है, समय लॉन्ग टर्म का है, क्योंकि 2 साल में रिटर्न आए और कहीं ना कहीं वो हवा आई कि स्मॉल कैप में वो जब से स्ट्रेस टेस्ट आया, थोड़े बहुत हमने गिरावट देखी, वैल्यूएशंस कम हुए, तो एब्रप्ट डिसीजंस ओनली इन 2 ईयर्स। सो ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है, मुझे यहाँ से ही आपको कहना है कि आपका टाइम होराइजन 20 साल का है, आपने प्रॉपरली कैटेगोरिकली उसको डिवर्सिफाई किया था पोर्टफोलियो को, तो आपको स्विच करने की जरूरत एज सच नहीं थी। हाँ, अगर आपका गोल अभी 2 साल के अंदर होता और आपको पोर्टफोलियो में से वो गोल के लिए पैसे निकालने होते तो ये एक सही कॉल होता, लेकिन आगे 20 साल के लिए जब हम लार्ज मिड स्मॉल तीनों में ही कैटेगरीज देखते हैं, तो डेफिनेटली स्मॉल कैप आपके पोर्टफोलियो को कॉम्प्लीमेंट करता ही, क्योंकि ये तो साइकिल्स है और हम SIP में रह के इन साइकिल्स का एक पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके हाई और उनके लो में, तो आपको एवरेज बन रहा है। ठीक है, अभी आपने कर लिया है, ठीक है, लेकिन 2 मल्टी कैप, अगेन एक ही कैटेगरी के 2 फंड्स हम कभी भी नहीं कहते, हम कहते हैं एक ही कैटेगरी का 1 फंड, ठीक है। सो अगेन मेरे हिसाब से आप एक ही मल्टी कैप कंटिन्यू करें, और अगर फ्यूचर में ऐड करना है तो आप डेफिनेटली एक स्मॉल कैप ऐड कर सकते हैं पोर्टफोलियो में, और एक फ्लेक्सी कैप, पराग पर एक फ्लेक्सी कैप की भी मैं सलाह दूंगी, उसमें आपको थोड़ा बहुत इंटरनेशनल एक्सपोजर भी आ जाएगा, तो आपके पोर्टफोलियो का एक अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगा, बाकी पूरी स्ट्रेटेजी ठीक है।
तो आपको राय रणनीति बताई गई है, एक मल्टी कैप आपके लिए ज्यादा कारगर है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, और बहुत सारी चीजें पूजा ने आपके पोर्टफोलियो में बदलाव किए हैं, आप उसके हिसाब से भी अपनी रणनीति को डिसाइड कर सकते हैं। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं। पूजा मैम हमारे साथ बनी रहेंगी, उनसे हम आगे बातचीत जारी रखेंगे, कुछ और सवाल भी हैं दर्शकों से चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के उस पार। आप देख रहे हैं योर मनी और हम बातचीत कर रहे हैं पूजा मैम से, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं, और आज का टॉपिक हमने चुना है 8th ब्लंडर ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि नेगेटिव कंपाउंडिंग पर, उस पर हम बातचीत कर चुके हैं, लेकिन अब कुछ दर्शकों से बातचीत कर रहे हैं। स्वराज जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए आज। स्वराज जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए। जी मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं एक्चुअली 62 ईयर्स का हूँ अभी, और मैं 1.5 साल पहले मैं रिटायर हुआ हूँ सीआरपीएफ से एज असिस्टेंट कमांडर। तो फंड तो मुझे मिला है, लेकिन एक्चुअली मैंने कभी म्यूचुअल फंड या शेयर में कभी मैंने इन्वेस्ट किया नहीं, और इसके बारे में मुझे कोई एक्सपीरियंस या नॉलेज भी उतना नहीं था। तो अभी मैं सोच रहा था कि फंड तो है उसमें, मेरी कुछ जिम्मेदारियाँ थी, एक फ्लैट लेना है पुणे में 2 BHK का, और मुझे जो मुजफ्फरपुर में मेरा जो घर है उसके ऊपर भी फर्स्ट फ्लोर का कुछ कंस्ट्रक्शन कराना था। तो मेरा ये था कि मैं 10 से 12 सालों में, अगर मैं चाह रहा हूँ कि 40-50 लाख का मैं फंड लेना चाह रहा था SIP के जरिए, तो मुझे किस फंड में लेना चाहिए, और मंथली क्या SIP होगा, लार्ज कैप, मिड कैप, मल्टी कैप क्या है, बहुत सारा इसमें ऑप्शन होते हैं, कौन सा ठीक रहेगा, थोड़ा मैं ये जानना चाह रहा था, मुझे थोड़ा गाइड करिए। तो स्वराज सर, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता कभी भी, तो इस कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में 4 फंड्स बताए जाते हैं, आप उनका निवेश, उनको निवेश के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपको कोई भी फंड समझ में नहीं आ रहा है तो। वो आमतौर पर जानकार हमारे top 4 फंड के तौर पर देते हैं, जिनसे आप अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि आपने सवाल पूछा तो पूजा मैम से इसके ऊपर राय जरूर ले लूंगा। पूजा मैम, 10,000 रुपये की SIP करना चाहते हैं, 10 से 12 साल में एक कॉर्पस इकट्ठा करना चाहते हैं 50 लाख के आसपास, 40 से 50 लाख के आसपास, किन फंड्स में निवेश करना चाहिए, कंसीडरिंग कि ये रिटायर है तो अब इनकी जो एपेटाइट है उसके हिसाब से आपको क्या बेहतर लग रहा है? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो एक अच्छी बात है कि 10 साल का होराइजन है, 50 लाख का कॉर्पस है, एट द एज ऑफ 62 भी, क्योंकि आपने पहले कभी निवेश नहीं किया है स्टॉक में, एंड आप म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है कि SIP के जरिए, म्यूचुअल फंड्स के जरिए आप इक्विटी में निवेश कर रहे हैं। अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो आपको 10 से 12 साल के अंदर अगर 10,000 के SIP आप करेंगे तो एक 32 लाख के आसपास का आपका पोर्टफोलियो बनेगा। अगर आपका 50 लाख का कॉर्पस है तो आप उसको एवरी ईयर 10-10% से एनुअली बढ़ाएंगे तो आप इजीली ये टारगेट तक पहुंच जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप पहली बार निवेश कर रहे हैं और एक एक रिटायरमेंट की एज है, पोस्ट रिटायरमेंट वाला आपका इन्वेस्टमेंट है। तो मैं बहुत ज्यादा आपको मिड कैप स्मॉल कैप नहीं सलाह दूंगी, 10 ही साल का समय है, तो मेरे हिसाब से आप एक इंडेक्स फंड रखें, SBI निफ्टी इंडेक्स फंड, एक फ्लेक्सी कैप रखें, कोटक फ्लेक्सी कैप फंड, और एक बैलेंस एडवांटेज या मल्टी एसेट कैटेगरी का भी फंड रख सकते हैं, जैसे ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड। शुरुआती तौर पर ये करें, जो एनुअल स्टेप अप है, जो मैं कह रही हूँ 10-10% से आपको SIP अमाउंट बढ़ाना है, वो अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो आप एक मल्टी कैप फंड में शुरू कर सकते हैं, HDFC का मल्टी कैप फंड। इन 4 फंड से आप शुरुआत करें और आप इजिली टारगेट पहुंच जाए। तो आपको कुछ फंड्स बताए गए हैं जिनके साथ आप शुरुआत कर सकते हैं, और उम्मीद करते हैं अपने लक्ष्य इनके जरिए हासिल करते हुए दिखाई पड़ेंगे। अब एक ईमेल आया है, नितिन गुप्ता जी का ईमेल है, इनकी उम्र 42 साल है, इनका मौजूदा निवेश करीब करीब 69,100 की एक SIP है, पोर्टफोलियो की वैल्यू करीब 22.5 लाख के आसपास है, 10 से 12 साल में ये 10 से 12 करोड़ रुपए का कॉर्पस चाह रहे हैं, और ये स्टेप अप भी करेंगे 10% के आसपास का। तो पहले तो इनको राय दीजिए, ये कैसे अपनी ये कॉर्पस के अचीवेबल है या नहीं है पूजा जी, दूसरा अगर अचीवेबल है तो कैसे करें, और SWP किस ऐप से इसकी निकासी ये कर पाएंगे, SWP को लेकर भी कुछ सलाह मांग रहे हैं, उस पर क्या करना चाहिए ना?
जी बिल्कुल, सबसे पहले गोल की बात करते हैं सुमित, 10 से 12 साल, सबसे पहले तो ये 2 साल का भी जो समय है बहुत जरूरी है, इम्पोर्टेंट है निवेशक को समझना कि जो 2 साल में भी हमारी कंपाउंडिंग में कहां से कहां पहुंच जाती है वैल्यू। सो नॉर्मली मैं 12 साल के हिसाब से पकड़ती हूँ, लेकिन आपका जो भी गोल है ना, आप काफी स्पेसिफिक रहें, जो भी आप यू नो प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए इजी हो जाएगा। सो 12 साल में अगर 10 करोड़ का कॉर्पस, जो क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट अगर आपको इकट्ठा करना है, सो करंट वैल्यू 22 लाख और 69,000 की SIP है, तो आपको मैं SIP अमाउंट जो बढ़ाने की सलाह दे रही हूँ, अप्रोक्सीमेटली हर महीने 1.5 लाख रुपए की आपको SIP करनी होगी, और एनुअल स्टेप अप जो है वो 15% से करना होगा, तो आप 12 साल में ये टारगेट पहुंच जाएंगे। अगर आप बढ़ा नहीं सकते और करंटली जो निवेश कर रहे वैसे ही करना चाहते हैं, तो आपको जो आपका गोल है 12 साल का उसको और 5 साल से एक्सटेंड करना होगा, तो आप इजीली आपके टारगेट तक पहुंच जाएंगे। तो मैंने आपको 2 ऑप्शन दिए, या तो टेन्योर बढ़ाओ या SIP अमाउंट बढ़ाओ। अब जो फंड्स हैं, काफी फंड आपने ले रखे हैं, थोड़े बहुत चेंजेस मैं आपको एक शॉर्ट बता दूं, 2 फ्लेक्सी कैप है उसकी जगह पे एक मल्टी कैप ऐड कर लें, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप। एक सेक्टोरल फंड है, सेक्टोरल फंड की खुद की एक टाइमिंग होती है, साइकिल होती है, तो अगर वो मैनेज कर सकते हैं आप और रिव्यू कर सकते हैं तो ठीक है, वरना HDFC मिड कैप में शिफ्ट कर लें। लार्ज कैप एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, तो थोड़ा बहुत वैल्यू फंड है या मिड कैप और यू नो स्मॉल कैप में आप शिफ्ट कर सकते हैं पोर्टफोलियो को। जो SWP ऑप्शन का है सुमित, नॉर्मली अगर आपका बैंक मैंडेट रजिस्टर्ड होता है, क्योंकि SIP जा रही है तो जो सिस्टमैटिक ट्रांसफर है या विड्रॉवल है वो भी होना चाहिए, ऐसे कोई ऐप में प्रॉब्लम्स नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं रजिस्टर कर सकते तो आप वो AMC की वेबसाइट में जाके वहां से आप कमांड दे सकते हैं या फिजिकल फॉर्म के थ्रू कर सकते हैं। और अगर DIY नहीं समझता है आपको खुद से करना, आप MFD के थ्रू कर सकते हैं। इनफैक्ट अभी काफी KYC में भी चेंजेस आए हैं, KYC वैलिडेशन की वजह से काफी समय से हमको देखना है कि आपका कोई इन्वेस्टमेंट रुका हुआ तो नहीं है, वो भी कुछ नॉर्म्स या कंप्लायंस की वजह से अगर नहीं रुकी है चेक करके कर सकते हैं। लेकिन पॉसिबल है, ऐसा कोई ऐप नहीं है जिसमें आपको कोई भी यू नो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आनी चाहिए, आप कस्टमर केयर में फोन करके भी बात कर सकते हैं। जी चलिए, तो आपको राय दी गई है नितिन जी, आप अलग अलग राय के हिसाब से, अलग अलग कॉर्पस के हिसाब से, अलग अलग आपके सवालों के हिसाब से आपको पूजा मैम ने टिप्पणी की है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। पूजा मैम बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, सभी दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए और उस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को सिंप्लीफाई करके सबको समझाने के लिए। जाने से पहले Top 4 Funds पूजा मैम के आप स्क्रीन पर देखेंगे, अगर आप नए निवेश की शुरुआत करने जा रहे हैं तो इन फंड्स के साथ आप अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। तो फिलहाल अब बी ओर मनी को ही समेटेंगे, एक ब्रेक, और ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला बना रहेगा।